देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। आज तबीयत जरा नासाज है, लेकिन तबीयत को दवाई भरोसे नहीं भगवान भरोसे छोड़ दिया है। वैसे तबीयत मेरी हो या देश की, हमने सब कुछ भगवान भरोसे ही तो छोड़ दिया है। पंजाब में भगवान के घर में 2 दिन में 2 हत्याएं हो जाती हैं। कानून की लिंचिंग सरेआम वीडियो के रूप में हमारे आपके सबके सामने है, लेकिन मजाल है किसी पार्टी की कि इस लिंचिंग के खिलाफ एक शब्द भी बोल सकें। सबको वोटों की फिक्र जो है, सभी ने अपने अपने हिसाब से निंदा की है, लेकिन भगवान के घर में बेअदबी की निंदा की गई है। भगवान के घर में हुई हत्या की निंदा किसी ने नहीं की है। आपको ट्वीट भी दिखाता हूं जिसमें सिर्फ निंदा एक तरफ की गई है, बल्कि निंदा का तो निंदा का मुद्दा भी चुनिंदा है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में भी है, जहां बेरोजगार युवाओं की अपनी जनसंख्या है, लेकिन यूपी सरकार के नेताओं का कॉन्फिडेंस लाजवाब है। बेरोजगारी पर ऐसे बातें करते हैं मानो रोजगार परचून की दुकान पर मिल रहा हो, लेकिन असलियत सभी को पता है। अब तो ऐसा लगता है कि अगर बेरोजगारी भी खुद चीख चीख कर कहे कि मैं बेरोजगार हूं, तो योगी जी उसका नाम बदलकर रोजगार कर देंगे। खैर, यूपी में चुनाव है तो 69,000 शिक्षक भर्ती की बात उठ रही है, लेकिन क्या जहां चुनाव नहीं है वहां शिक्षकों की बात नहीं होगी? माने छत्तीसगढ़ में 1,00,000 से ज्यादा शिक्षक धरना दे रहे हैं, तो भूपेश बघेल साहब यूपी पर बयान दे रहे हैं। राजनीति में नेता सर्कस का संचालन करते नहीं थक रहे, तो जनता सर्कस में नाच कर कर नहीं थक रही। योगी, मोदी, अखिलेश यादव, योगी राजभर, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, इन सभी की रैलियों में इतनी भीड़ दिख रही है कि भीड़ भी कॉमन लग रही है। मतलब इन सभी की रैलियों में आने वाली भीड़ को जोड़ दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि यूपी में किसी के पास अब कोई काम नहीं, सब रैली में ही तो हैं। खैर, 2014 के बाद से ही ये पैटर्न है कि भीड़ हर किसी के रैली में दिखी जाती है। भीड़ के नाम पर भांगड़ा करने वाले नेताओं को समझ जाना चाहिए कि यूपी के कई शहरों में जेसीबी को बैग कराने के लिए भी 30 से 40 लोग आ ही जाते हैं। प्रियंका गांधी भी यूपी के चुनाव में आ गई हैं, अब आ गई हैं तो आ ही गई हैं। उनकी टैगलाइन है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन 1800 किलोमीटर दूर कर्नाटक के कांग्रेस विधायक KR रमेश उनकी टैगलाइन को पूरा करते हैं। वो बता रहे हैं कि नहीं लड़ सकती तो मजे लो, दोनों बातें कांग्रेस से ताल्लुक रखती है और एक दूसरे की पूरक है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं के को, कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी? अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, मैं आग्रह करती हूँ आपसे, जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा, हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। When rape is acceptable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. वैसे समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव भी बीजेपी के पूरक नजर आ रहे हैं। पुत्र अखिलेश यादव मंच से कहते हैं कि आरएसएस से दूर रहो। बीते साल 11 जनवरी को कन्नौज में एक डॉक्टर को तक डांट तक लगा दी कि तुम आरएसएस के हो। इस वीडियो को देखिएगा। बहुत गरीब आदमी बेचारा है, गरीबी है लेकिन प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी। क्यों कोई मदद नहीं? कितने लोग थे गाड़ी बताओ भैया? 80 सरकारी आदमी हो, सरकारी तुम आदमी, हम जानते क्या होती है सरकार। तुम बंद बोलो, इसलिए मत बोलो तुम सरकार के आदमी हो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। तुम सरकार का पक्ष नहीं ले सकते, बहुत छोटे अधिकारी हो, बहुत छोटे कर्मचारी हो। आरएसएस के हो सकते हो, बीजेपी के हो सकते हो, मैं ये बात नहीं कह सकती वो क्या कह रहा हो, तुम मुझे नहीं समझा सकते। दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ, एकदम हट जाइए यहाँ से, भाग जाइए यहाँ से, बाहर भाग जाओ यहाँ से। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि ये नई सपा है। अब कांग्रेस उनसे पूछ रही है कि उनकी नई सपा में सा का मतलब संघवाद है क्या?
क्योंकि जब अखिलेश यादव आरएसएस को कोस रहे होते हैं तब उनके पिता आरएसएस के साथ गुड़चना खा रहे होते हैं। ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी अखिलेश यादव ने जब कहा था कि वैक्सीन बीजेपी की है तब भी समाजवादी कुनबे में सबसे पहले व्यक्ति मुलायम सिंह यादव ही थे जिनकी वैक्सीन लगवाने की तस्वीरें सामने थी। खैर इस मसले को ज्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में अमूमन पिता पुत्र का रिश्ता लेफ्ट और राइट का ही रहता है, माता के साथ तो सब राइट ही राइट रहता है। अब माता की बात आई है तो अन्नदाता की बात भी कर लेते हैं। भस्म रगड़ कर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया, देश हित में वापस लिया, देश हित में दिया भी गया था, बाकी मोदी जी जो करें सब देश हित में ही होगा। ये देखिए, मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए, आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब बीजेपी के नगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष गली कूचा जा जाकर समझाते समझाते थक गए कि कृषि कानून किसानों के हक में कैसे है। वही अध्यक्ष लोग अब फिर वापस जा रहे हैं और समझा रहे हैं कि चलो रात गई बात गई, भूल जाओ, पहले वाले पैटर्न पर वापस आ जाओ, पहले वाले पैटर्न पर लौटते हैं। जनता मानो मूर्ख है, पढ़ी लिखी नहीं है, बिहाइंड द सीन थोड़ा समझाते हैं, इसको समझिए। कृषि कानूनों को गुरु पूर्व के दिन वापस लिया गया, ये बहुत अहम चीज है कि गुरु पूर्व के दिन ही उनको वापस लिया गया। 17 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोल दिया गया है, यह भी अहम है। प्रधानमंत्री गुरु तेग बहादुर जी की वर्षगांठ पर गुरुद्वारे में नजर आए, बहुत अहम है। 1984 के सिख विरोधी दंगों की फ्रेश इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, समझे। मास्टर स्ट्रोक में मास्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और स्ट्रोक लगाया है पंजाब चुनाव पर। वैसे कृषि कानून ठीक थे या नहीं ये किसान ज्यादा नहीं जानते, मैं नहीं वो ज्यादा जानते होंगे, लेकिन जो जैसा चल रहा है वो कुछ यूं चल रहा है कि छोटे किसान कर्ज तले दबते जा रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर जितना उगाते हैं उसका उतना दाम नहीं मिलता, ये हर कोई जानता है। पहली बार किसी ने कानून बनाकर कुछ करने की कोशिश की तो उसका इस कदर विरोध हुआ कि अब आने वाले 50 साल तक कोई भी सरकार कृषि कानून बनाने के बारे में सपना भी नहीं सोचेगी। मतलब किसान कर्जे में दबा रहेगा, आत्महत्या करता रहेगा और देश में किसान बनना बंद हो जाएगा। फिर जब व्यापार के तौर पर किसानी होगी तब सवाल करने के लिए मैं नहीं होऊंगा, ना आप होंगे, ना ही कोई हो सकता है। मुझे कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं कि आप सब मूर्ख हैं और टीवी, रैलियां, जनसभा, मैनिफेस्टो, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब आपको मूर्ख बना रहे हैं। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी इतना नहीं मूर्ख बनाते होंगे जो सामने कहते हैं कि 1 महीने में BMW आ जाएगी, 1 महीने में ऑडी आ जाएगी, 1 महीने में फलानी फलानी कार आ जाएगी और 16 साल के लड़के खड़े होकर बताते हैं कि 1 महीने में उन्होंने 60 लाख की कमाई की, 17 लाख की कमाई की। वो भी उतना मूर्ख नहीं बनाते जितना आपको रैलियां, जनसभा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बनाया जाता है। अब समझ जाइए, बुरा लगे तो newsworldindia.com पर शिकायत भी मेरी कर सकते हैं, जांच बैठी तो मैं भी बेरोजगारी की फेरिस्त में शायद शामिल हो जाऊंगा। खैर कृषि कानून जैसे ही आए दिल्ली के दरवाजों पर किसान संगठन भी आ गए, मतलब इतनी तेजी थी कि कृषि कानून खेतों तक नहीं पहुंचे थे लेकिन किसान संगठन सड़कों पर आ गए। किसान संगठनों को थोड़ा दूर से सही लेकिन सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन समय समय पर फायदा अनुसार मिलता रहा। जैसे कि आप जब दाल फ्राई बनाते हैं तो नमक कायदे के अनुसार डालते हैं, मतलब स्वाद अनुसार डालते हैं, वैसे ही सभी पार्टियों ने फायदा अनुसार समर्थन दिया है। लेकिन राजनीति की खान में सब काले हैं, जो जीत जाता है वही हीरा होता है। अब काले कैसे हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए यह समझाता हूं। तो 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के पैरा 7 सब क्लॉज 11 में इसी बिल को लाने की वकालत की गई थी।
2017 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए जारी मैनिफेस्टो में इसी बिल को लाने की बात कही थी। साथ ही साथ राकेश टिकैत के संगठन ने भी 2019 से पहले इसी बिल को लाने की वकालत की थी। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक 2001 में मोदी जी ने पंजाब में इस बिल को लाने का विरोध किया था। तो किसानों की किसे फिक्र है वो इन चार ग्राफिक से आप समझ गए होंगे। सभी को फिक्र सिर्फ अपनी कुर्सी की है जिसके चार पैर होते हैं। चार नेता को पता है कि चारों पैर जनता के कौन कौन से वर्ग हैं। उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं, जो आप ये जाति वाली महासभा देखते हैं, जाति के नाम से परिषद देखते हैं, ये भी उसी कुर्सी का एक पैर है। ये ग्राफिक्स को भी दिखाते हैं। तो ये जो चार पैर हैं इस तरीके से दिखते हैं, किसान, मुसलमान, हिंदू, व्यापारी, ठाकुर, बनिया, केवट, मल्ला, यादव, दलित, सभी के सभी सिर्फ वोट बैंक हैं। तो ये छोटे छोटे पैकेट में आते हैं, जैसे बचपन में हम सब छोटे छोटे पैकेट में वो चूर्ण खाया करते थे, जो कायम चूर्ण नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, छोटे छोटे पैकेट में जो चूर्ण आते थे वो हम खाया करते थे। हम चूर्ण खाकर खुश हो जाते थे, नेताओं के हाथ ये जनता चूर्ण लग जाए तो भी खुश रहते हैं। लेकिन इन्हें सभी को खुश रखना भी जरूरी है, हर वर्ग को, हर तरह के चूर्ण जो कि पैकेट के रूप में इनके सामने खड़े हैं उनको सभी को खुश रखने की इनकी जिम्मेदारी है, बस इतनी सी मजबूरी है। तो समय समय पर परिस्थिति के हिसाब से पलट जाने में बुराई नहीं, यही परम सत्य है, बाकी सब तो मोह माया है। नेता विचारधारा करते करते कब धारा प्रवाह करते हुए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उनके कार्यकर्ता को समझने में भी 24 घंटे लगते हैं उनके कार्यकर्ता को समझने में। यकीन मानिए, जेपी और लोहिया वाला समाजवाद अब सफेद तोते की तरह विलुप्त हो चुका है, अटल जी वाला राष्ट्रवाद भी ओझल है, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को इमरजेंसी की हाय लगी है, कम्युनिस्ट पार्टियां तो किसी कम्युनिटी पार्क में भी आजकल नजर नहीं आती है। तो पार्टियों का क्या हाल है ये आपको समझा रहा था, अब बात करता हूं एक अन्य मुद्दे की। बात है आजकल आधार कार्ड बड़ा चमचमा रहा है, कहा जा रहा है कि आधार कार्ड को लिंक कर दो। किससे लिंक कर दो? आधार कार्ड को दरअसल लिंक करने की बात हो रही है वोटर कार्ड से, कि आधार कार्ड को लिंक कर देंगे वोटर कार्ड से। इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि जो फर्जी वोटिंग होती है वो नहीं होगी, आधार कार्ड से अगर वोटर कार्ड लिंक रहेगा तो फर्जी वोटिंग नहीं नजर आएगी। लेकिन इसमें भी विपक्ष खौफ दिखा रहा है, इसमें भी विपक्ष 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 का काम कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है। एक ये भी दिखाता हूं आपको, छोटी सी तस्वीर दिखाता हूं आपको, चित्र दिखाता हूं, ये देखिए। इसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कह रहा है सीईसी से कि आधार को वोटर से लिंक कर दो। ये पहले की तस्वीर है, ये कब की है? 2018 की तस्वीर है। लेकिन अब कांग्रेस अपोज कर रहा है कि नहीं भैया ये नहीं करना। तो कांग्रेस दरअसल करना क्या चाहता है ये तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन ये चीज को देखिए कि कल क्या था और आज क्या है, कल क्या होना था और आज क्या है। कल कांग्रेस जहां इसको बता रही थी कि नहीं इसको लाना चाहिए, कांग्रेस बता रही थी मध्य प्रदेश में कि इन दोनों को जोड़ दो, मतलब आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ दो, ये अच्छी चीज है, ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, कहीं ना कहीं काम का काम करेगी। लेकिन अब कांग्रेस जब इसको वोट इसको करने की बात जब केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है तब कांग्रेस इसको अपोज कर रही है। अब अगली बात करते हैं, जब हम सियासत की बात करते हैं और सबकी पोल खोलने की बात करते हैं, जब हम ये बता रहे हों कि सब मिले हुए हैं जी, तो सब मिले हुए हैं जी का जिक्र करते ही आपके दिमाग में सबसे पहले सन्नाटे के साथ एक शख्स आए होंगे जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, बातें ऐसी करते हैं कि अगर पंजाब की भाषा में कहूं तो स्वाद आ जाता है, स्वाद इतना आता है कि वो पचाए नहीं पचता। अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े राजनेता है, क्योंकि आते ही 147, 149, 150 जैसी चीजें सामने निकल कर आने लगी। इतना वोट दिया दिल्ली के लोगों ने उनको, बंपर वोट दिया, बंपर वोट के बाद शिक्षा का मॉडल लेकर अब वो हर जगह जाते हैं, बिजली बहुत बांटते हैं। कभी कभी तो ऐसा एहसास होता है, जनता पूछ ही लेती है कि अरविंद केजरीवाल आईआरएस के अधिकारी थे या किसी बिजली की कर्मचारी या फर्म में कहीं काम करते थे, माने ट्यूबवेल चलाने का काम वो अच्छे से जानते थे, कैसे जानते थे, क्योंकि वो बिजली के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली हर जगह मुफ्त बांटने की बात करते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, वो दरअसल टीवी पर आए और टीवी पर आकर उन्होंने कुछ बात कही है, उस बात को जरा आप सुनिएगा। अरविंद केजरीवाल, मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मास्क पहनना हमने बंद कर दिया है। अगर हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, सबसे इफेक्टिव मास्क है, तो मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, दोबारा मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। ये जो बार बार सरकार बोलती है, मैं बोलता हूँ आपको, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ये आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आप ही के स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। बीमार पड़ेंगे, कोरोना होगा, क्या फ़ायदा है? तो फिर से आपसे सबसे निवेदन है सब लोगों से कि मास्क
दोबारा पहनना शुरू कीजिए। ये तस्वीरें देखते रहिए आप, यहां पर अरविंद केजरीवाल खुद तो रैलियों में नजर आ रहे हैं, ताजा तस्वीरें हैं, कहीं पर भी मास्क नजर नहीं आता। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल देश के सामने आ रहे हैं, टीवी पर बैठे और कह रहे हैं कि मास्क पहनो, ये क्या हो रहा है, बाजार में मास्क पहने कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि वो खुद भी मास्क पहने नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये भी सोचने और समझने की जरूरत है कि नेता आपसे कहते क्या है, उनके मन में क्या है। थोड़ी सी बातचीत केवल 20 मिनट के या 21-22 मिनट के प्रोग्राम में नहीं समझा सकता पूरी क्या कहानी है, लेकिन अगर जनता समझ सके तो इन बातों को समझ सकती है कि नेता आखिर सब मिले हुए हैं। आपने क्या वो तस्वीरें नहीं देखी जब योगी आदित्यनाथ बैठे होते हैं साथ में किसके, अखिलेश यादव के, और क्या आपने वो तस्वीरें नहीं देखी कि फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, कासगंज, अलीगंज, इटावा, इन जगहों पर बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी के नेताओं से लड़ रहे होते हैं, माने कार्यकर्ता लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे होते हैं। उसी वक्त लखनऊ में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ चाय पी रहे होते हैं। ये दो तस्वीरें हैं देश की, ये सोचना होगा, समझना होगा। क्या हमने वो तस्वीरें नहीं देखी जब सपा का सबसे ज्यादा जो दुश्मन हुआ करता था वो कौन था, वो बसपा था। मतलब बसपा और सपा में तो ऐसी दुश्मनी थी मानो नेवले और सांप की दुश्मनी हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा कब बदल गया कि लखनऊ में बैठे नेताओं ने एक फैसला लिया, और फैसला क्या लिया कि सपा और बसपा ही साथ आ गए। अब सपा बसपा तो साथ आ गए क्योंकि बुआ और भतीजा साथ आ गए, लेकिन बुआ भतीजा तो साथ आ गए, लेकिन छोटे जिले की अगर मैं बात करूं, बरेली की बात करता हूं, अगर मैं कासगंज की बात करता हूं, वहां पर जो सपा और बसपा कल तक लड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर मुकदमा लिखवा रहे थे, बसपा का नेता जो कल तक सपा में आया था और कह रहा था कि बसपा में मायावती जी तो झोला भर के पैसा लेती हैं, उस नेता का क्या, उस नेता की कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि नेता जो दरअसल वहां बैठे हैं जहां उनको होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लखनऊ और देश की बात करूं तो दिल्ली, तो ये नेता सब कुछ तय करते हैं, साथ में रबड़ी पीते हैं, गुड़ चना खाते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो मेहनत करता है, ईंट से ईंट लगाता है, पोस्टर लगाता है, बैनर लगाता है, जनता सुबह जाती है, रात को घर लौटती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में टैक्स देती है, लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल छोटा सा बयान देकर कहकर निकल जाते हैं कि देखिए मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, फ्री में बिजली दे रहे हैं। कभी अरविंद केजरीवाल ये नहीं बताते कि अरविंद केजरीवाल फ्री में बिजली देने की जब बात करते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल के घर में कोई ट्रांसफार्मर लगा है या कोई बिजली पैदा करने वाला कोई उपकरण लगा है जो इतनी बिजली बनाता है कि वो एक प्रदेश को बिजली मुफ्त में दे सकते हैं। तो ये सब बयानबाजियां हैं, सब एक जुमलेबाजी तो है ही है, हर नेता इसी तरीके की बातें करता है। आपने प्रियंका गांधी को भी सुना, प्रियंका गांधी कह रही थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। जब से उत्तर प्रदेश के चुनावों ने हुंकार भरी है, जब से चुनाव चढ़ रहा है, जब से चुनाव बढ़ रहा है, तब से लगातार प्रियंका गांधी सामने आ रही हैं और लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर एक अलग माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि महिलाओं का जो वोट बैंक है उस पर इनका एकाधिकार होना चाहिए, वो एकाधिकार होने की कोशिश भी कर रही हैं, लगातार लगी हुई हैं। लेकिन उसी वक्त, उसी माहौल में, उसी समय में, उसी सदी में, उसी दशक में एक नेता उन्हीं की पार्टी का जो कि एमएलए है, विधायक है, जो कि एक कंस्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करता है, वो कह देता है कि लड़ते लड़ते अगर ना भी लड़ पाओ तो क्या करना है। तो ऐसे में कोई सवाल करे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कि आपके दो बयानों के सहारे तो सत्ता नहीं चल सकती, सियासत नहीं चल सकती, ये सवाल होना लाजमी है। ऐसे में अखिलेश यादव की भी मैंने बात की थी, अखिलेश यादव घिरते हुए नजर आए। क्यों घिरते हुए नजर आए, वो मंचों से खड़े होकर कहते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनलों के कार्यक्रम में जाकर कहते हैं कि भैया आरएसएस से दूर रहना, और इतना दूर रहना कि उनको दिखो भी ना, दूरबीन से देखना पड़े। लेकिन उसी वक्त, उसी सदी में, उसी दशक में, उसी साल में उनके पिता बैठकर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब के साथ चाय भी पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं, बढ़िया कुकी बाइट वाला बिस्किट भी खाते हैं, और अखिलेश यादव यहां जनता से कह रहे हैं कि आरएसएस वालों के साथ मत दिखना, दूर रहना। मतलब जनता से कह रहे हैं और पिता कुछ और बता रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि नेता आपको मूर्ख समझता है। हम सड़कों पर घूमते हैं, हम चुनाव कवर करते हैं, तो देखते हैं कि बेरोजगारी का कितना बुरा हाल है, बेरोजगारी किस कदर हावी है, हर तरफ बेरोजगार ही बेरोजगार नजर आता है। लेकिन जब नेता से पूछते हैं तो हमको बताते हैं कि 4 लाख रोजगार दिया, 5 लाख रोजगार दिया, 6 लाख दिया, 8 लाख दिया, 10 लाख दिया। कभी कभी तो मुझको ऐसा लगता है कि बेरोजगारी अगर एक दिन खुद चीख कर बताएगी नेताओं को कि देखो भैया हम बेरोजगार हैं, तो भी ये नेता नहीं मानेंगे, और योगी जी हुए तो नाम बदल देंगे। योगी जी बेरोजगारी का नाम ही रोजगारी रख देंगे, मतलब बेरोजगार का नाम रोजगार कर देंगे, मतलब तुम बेरोजगार नहीं अब रोजगार हो।
तो नेताओं की ये बातें हैं, वरना अगर बातें ना होती तो हर दावा और जो वादा किया जाता है उस पर कैसे पूर्ण हो सकता है। ये वही बातें हैं जैसे हमारे बॉलीवुड के स्टार पान मसाला का ऐड करते हुए दिखते हैं, लेकिन टीवी जब सिनेमा में आते हैं तो नीचे लिखकर आता है छोटा छोटा कि इंजूरियस टू हेल्थ है। अब उन लोगों से कोई पूछे, उन डायरेक्टर से कोई पूछे कि अगर इंजूरियस टू हेल्थ है तो ये जो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा है, ये जो नोएडा के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, जो दिल्ली में पोस्टर लगे हैं, बैंगलोर में पोस्टर लगे हैं, मुंबई में पोस्टर लगे हैं, बहराइच में पोस्टर लगे हैं, राजस्थान में पोस्टर लगे हैं, छत्तीसगढ़ में पोस्टर लगे हैं, केरला में पोस्टर लगे हैं, उसमें तो बॉलीवुड के स्टार कह रहे हैं कि पान मसाला खाओ, इसमें सौंफ है, और ये नहीं बता रहे कि इसमें तंबाकू भी है। तो ये सब कुछ है, दो दो तरीके के लोग हैं, जनता आप मूर्ख हैं, टीवी के जरिए आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर मेरी कोई भी बात गलत लगी हो तो newsworldindia.com पर जाकर शिकायत का जो मंच है वो मैंने खुला छोड़ा है, आप मेरी शिकायत किसी भी वक्त किसी भी लम्हा और किसी भी घड़ी में कर सकते हैं। बाकी आंखें खुल गई हो तो ये मत कहिएगा कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, बल्कि ये समझिएगा कि देश आप ही से बनता है। भौगोलिक स्थिति में बात करें तो देश छोटे छोटे गांव से ही बनता है, तो सभी को जागने की जरूरत है। 5 साल मुद्दों पर बात करेंगे और चुनाव से पहले जाति वाले को वोट देकर आएंगे तो मुबारक हो आपको, 5 साल फिर रोना होगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। देखिए भारत एट 9 कावेंद्र चौहान के साथ।